नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने चैनल चॉप्स वाले भैया में। बात करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे डेटा एंट्री ऑपरेटर बहाली को लेकर के एक नया सूचना जारी किया गया है जो कि बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल समग्र शिक्षा के अंतर्गत आता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या बनाना है इनको, ब्लॉक एजुकेशनल डेटा मैनेजमेंट सेंटर बनाना है, ठीक है। हर एक ब्लॉक में 534+3 यानी कि 537 ब्लॉक में यहाँ पर इन लोगों को स्थापित करना है। तो इसमें सारा डिटेल इन लोगों ने दिया है कि जैसे कि फ्यूचर में जो बहाली आएगी तो कैसे होगी, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे वीडियो के माध्यम से कवर हो जाएगी। तो वीडियो के लास्ट तक अगर आप बने रहते हैं तो आपके मन का जो भी क्वेश्चन है जो आप कमेंट करेंगे वो पहले ही मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँगा फ्रेंड्स, ठीक है। पहले आप पूरी वीडियो देखिए, अगर उसके बाद भी अगर कोई सवाल है तो ज़रूर कमेंट करके पूछिएगा। और फ्रेंड्स, डेली जॉब अपडेट के साथ साथ कोई भी नोटिफिकेशन के बारे में सही से जानने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्योंकि मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आपके पास भी कोई नोटिफिकेशन का पीडीएफ है फ्रेंड्स, तो आप हमें सीधा ईमेल करके उसके रिगार्डिंग सारी जानकारी ले सकते हैं। अगर आपके पास कोई पीडीएफ है जो पूरा पब्लिकली सबको सही बताना पड़ेगा तो मैं उसके लिए वीडियो भी बना सकता हूँ, नहीं तो आपको मैं पर्सनली उसका ईमेल करके बता देता हूँ कि सही है या गलत है। तो चलिए इसके बारे में बताते हैं फ्रेंड्स। तो जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि नोटिस इनवाइटिंग री टेंडर, ठीक है। तो यहाँ पर टेंडर निकाला गया है फॉर द सिलेक्शन ऑफ सर्विस प्रोवाइडर्स ऑफ एस्टेब्लिशमेंट एंड द ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ ब्लॉक एजुकेशनल डेटा मैनेजमेंट सेंटर BEDMC इन ऑल 534 CD ब्लॉक्स एंड द अर्बन ब्लॉक्स यूनिट्स ऑफ बिहार ऑन टर्न की बेसिस, ठीक है। तो ये सब फ्रेंड्स, जो भी ऐसी वैकेंसियाँ आती हैं वो परमानेंट नहीं होती हैं, कुछ दिनों के लिए आपका प्रोजेक्ट जब तक चलेगा तब तक के लिए यहाँ पे आपको काम मिल सकता है। एग्जांपल के तौर पे फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि संजीवनी में जो डेटा एंट्री ऑपरेटर काम करते हैं और मिला इंटरनेशनल के थ्रू, तो उनका भी कॉन्ट्रैक्ट होता है फ्रेंड्स। जैसे कि जो संजीवनी का योजना है वो 5 साल का है और जो डेटा एंट्री ऑपरेटर का कॉन्ट्रैक्ट होता है वो हर एक 11 महीने पर रिन्यू होता रहता है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं क्या क्वालिफिकेशन वगैरह ये लोग मांग रहे हैं, तो अभी आपको दिखाते हैं। यहाँ पे कहना है कि जो भी एजेंसियाँ यहाँ पे भाग लेगी उनको 534+3 ब्लॉक में यहाँ पे ये जो यूनिट है वो स्थापित करना है। जैसा कि फ्रेंड्स आपने संजीवनी जो कि उर्मिला इंटरनेशनल के थ्रू चलाई जाती है, ये वैकेंसी फ्रेंड्स मैं बिहार के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। जो अदर स्टेट्स के होंगे उन लोगों को इसमें इंटरेस्ट दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि फ्रेंड्स उनके लायक नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ही कम है, तो बाहर से आके अगर आप लोग काम करना चाहोगे तो सही नहीं रहेगा, ठीक है। क्योंकि अब चलिए आगे बताते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए डिटेल्स ऑफ फैसिलिएट, यहाँ पे देखिए डेटा एंट्री ऑपरेटर जो भी यहाँ पे अप्लाई करेंगे, चाहे वो जिनको भी हायर करें जैसे भी करें, तो कम से कम आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए इंटरमीडिएट विथ 6 मंथ का आपके पास डिप्लोमा या फिर कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको इंग्लिश और हिंदी कंप्यूटर टाइपिंग में, ठीक है। एक लैपटॉप आपको वहाँ पे मिलेगा, एक आपको डेटा कार्ड मिलेगा, एक प्रिंटर मिलेगा। तो ये इन्फॉर्मेशन थी और साथ में जो आपका कंप्यूटर लेजर प्रिंटर का यहाँ पे स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है कि क्या उन लोगों को प्रोवाइड कराना है, तो ये सब आप लोगों के काम की चीज़ नहीं है। आप लोगों को ये जानना था कि यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है, क्या क्वालिफिकेशन और कितने सैलरी मिल जाएगी। तो सैलरी आपके स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रही है फ्रेंड्स कि आपको बताया जा रहा है कि द मिनिमम ग्रॉस वेजेस सैलरी ऑफ द डेटा एंट्री ऑपरेटर शैल बी 11,625, यानी कि यहाँ पे आपको 11,625 रुपये टोटल सैलरी है जिसमें से आपको 10,000 रुपये ही मिलेंगे, बाकी जो सैलरियाँ हैं उसमें से कट कर लिया जाएगा कुछ और इन हैंड आपको यहाँ पे महज आपको 10,000 ही रुपये हाथ में मिलेंगे। अगर आप इस पे एलिजिबल रहोगे तो जो भी कंपनी यहाँ पे आपको यहाँ पे जॉब देगी, जैसे कि फ्रेंड्स आपको बता दें कि उर्मिला इंटरनेशनल का ही इसमें हो सकता है कि उसे ही मिल जाए, वो ही प्रोवाइड करा सकती है क्योंकि वो बड़े पैमाने पर ऑलरेडी प्रोवाइड कराती आ रही है, ठीक है। ये मार्च में निकाला गया था और किसी भाई ने मुझे वो सेंड किया है तो मैंने सोचा कि आप लोगों तक भी पहुंचना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग को ये चाहिए फ्रेंड्स इसका नोटिफिकेशन, तो आप लोग बिना देर किए हुए हमारे टेलीग्राम चैनल या टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि मैं फ्रेंड्स अब मैंने बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर नोटिफिकेशन वगैरह सेंड करने शुरू कर दिए हैं, ताकि अगर जिसकी वीडियो मैं नहीं बना पा रहा हूँ तो आप लोग को उसका भी नोटिफिकेशन समय पर हमारे टेलीग्राम चैनल से या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप से, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आपको मिलता रहे, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती होगी तो एक लाइक कर दीजिएगा और पहली बार है चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स। हमारे नए वीडियो तक के लिए फ्रेंड्स धन्यवाद।